और जी यहाँ पर शाम की चाय की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैं फ्रेंच फ्राइज फ्राई करूँगी और ये रात के लिए मैंने सालन चढ़ा दिया है चिकन तंदूरी का, ये बन रहा है। Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You. अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मज़े में है। और जी शाम का टाइम था, ये था वेनसडे का व्लॉग, वेनसडे से स्टार्ट करी थी और शाम का टाइम था। फैजान आ रहे थे ऑफिस से तो उन्होंने कहा था मुझे भूख लग रही है, तो जल्दी से मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और जो है वो ड्रमस्टिक्स वगैरह फ्राई कर लिए थे। और ये हमारे चाय के क्यूट क्यूट से कप मुझे इतने पसंद आए हैं ये कि जिसकी कोई हद नहीं है। मीनवाइल मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था और सालन में मैंने वही चिकन तंदूरी बनाया था। बस फिर खाना वाना खा के फैजान जो है वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ गई थी, मुझे थोड़ा सा काम था। एक कप कॉफ़ी के साथ जो है वो मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और अपना थोड़ा सा काम कर रही थी, यूट्यूब से रिलेटेड ही था। और किस फायरा जो है वो सो चुकी थी। ये था सुबह का टाइम, मैं उठ चुकी थी जल्दी और नाश्ता जो है वो रेडी करी थी क्योंकि आज थर्सडे था, लंच जाना नहीं था। तो ये है कि बस नाश्ता ही बनाना था। नाश्ते में मोस्टली चाय पराठा ही होता है फैजान का नाश्ता। कभी कभी उनका दिल चाहता है तो बोल देते हैं कि मुझे अंडा फ्राई कर दो, अदरवाइज़ वो चाय पराठा ही प्रेफर करते हैं। खैर नाश्ते वाश्ते के बाद जो है वो तो चले जाते हैं ऑफिस और मैं थोड़ी देर लेट कर जो है वो या तो कोई वीडियो वगैरह देख लेती हूँ या कोई काम होता है थोड़ा बहुत वो कर लेती हूँ या फिर मैं सो ही जाती हूँ। अक्सर तो ये होता है कि मैं सो जाती हूँ। खैर अब ये था दोपहर का टाइम था और बच्चे उठ चुके थे और नाश्ता वगैरह भी उन्होंने कर लिया था, नहला धुला दिया था मैंने उनको और कपड़े चेंज करा दिए थे। रूम पूरा मैं साफ़ कर चुकी थी लेकिन जो है वो जब खेलती हैं तो सारे टॉयज़ निकाल के ही खेलती हैं। अब एक ही रूम है हमारे पास तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो खेलने दो। और भाई किचन की लाइट से मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। फैजान से मैं दो दिन से कह रही हूँ प्लीज़ मेरी रिंग लाइट का कुछ कर दें, अगर यहाँ की लाइट का नहीं कर रहे। ये मैंने कबाब का मसाला बनाया था, देखिए कितना डार्क कलर लग रहा है। और कबाब का मसाला जो है वो मैं चॉपर में डाल के पीसती रही हूँ, इसी तरह किसी भी इतना गला लेती हूँ मैं उसको गोश्त को कि मैं पोटैटो मैशर से उसको मैश करती हूँ तो उसका बिल्कुल रेशा बन जाता है। और ये मैं गरम गरम ही कर लेती हूँ ताकि वो आराम से जो है वो उसका रेशा बन जाए और वो बिल्कुल एक जो है वो अपनी कबाब वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। खैर ये मैंने करके रख दिया था और क्या करूँ, ये क्लिप डिलीट करना चाह रही थी मैं लेकिन फिर मैंने ऐड ही कर दिया। और ये था जी फ्राइडे का दिन। सुबह नाश्ता हमने किया था वही अंडा पराठा चाय और हम चले गए थे भाई के घर क्योंकि लास्ट वीक भी हम नहीं गए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चे बहुत मिस कर रहे थे कि हमें बड़े पापा के घर जाना है और जो है वो मिस कर रहे हैं हमें जाना है करके। खैर हमें जाना ही था तो हम चले गए थे वहाँ पर और दोपहर में चले गए थे। फैजान मुझे बाहर से ही छोड़ के चले गए थे, उन्हें ऑफिस जाना था। मैं और बच्चे ऊपर चले गए थे और हमने खाई थी जुम्मे वाले दिन मोस्टली जो है वो भाई के यहाँ बिरयानी बनती है और हमने खाई थी बिरयानी। इतनी मज़ेदार बिरयानी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा दिल खुश हो गया था। और ये शाम का टाइम था, मैं हम लोग निकल चुके थे, फैजान ऑफिस से आए नहीं थे इस वक्त तक। उन्होंने कहा कि तुम भाई वगैरह के साथ निकल जाओ और जहाँ भी तुम लोग जाओगे तो फिर मैं वहीं आ जाऊँगा कॉल करके, मैं अभी ऑफिस में बिजी हूँ। तो हम गए थे होम बॉक्स, मैं जो हूँ बस थोड़ी सी वीडियो शूट करके और मैं तो बैठ गई थी। नो 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 नो, डोंट टच, लीव लीव। Keep it back. और होम बॉक्स पे सेल लगी हुई थी और यहाँ पर इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, बच्चों वाला गर्ल्स का सेक्शन तो इतना अट्रैक्टिव होता है कि बच्चे जाकर पागल हो जाते हैं। और बच्चे जो है वो कभी रॉकिंग चेयर पे बैठ रही थी, कभी बेड पर बैठ रही थी और इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर जो है वो अनस आ गया था आयरा के पास बातें करने के लिए, आयरा थक गई थी। ये लोग पूरा टाइम जो है वो हाइड एंड सीक खेलते रहे और किस्पा से जो है अनस का मूड ख़राब हो गया था थोड़ा सा, तो वो आयरा के साथ लग गया था।
और जो है वो आयरा को पटाने की कोशिश कर रहा था कि जो है ना किस्मत से बात ना करे तो मैं उसे लॉलीपॉप दूंगा, और इस तरीके की जो है ना वो उसे डीलिंग कर रहा था। खैर यहाँ पर जो है वो बहुत ही प्यारी जो है चीज़ें होती हैं, इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं कि आपका दिल करे आप सब कुछ ले लें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सब कुछ ले लें। खैर उसके बाद जो है हम निकल आए थे मैकडॉनल्ड्स, और यहाँ पर सब भाई ने पूछा क्या खाओगे सब, तो फिर मैंने कहा कि मैकडॉनल्ड्स है ये, बच्चों ने भी कहा कि मैकडॉनल्ड्स है ये, सब एग्री हो गए तो हम मैकडॉनल्ड्स आ गए थे। फैरान भी आ गए थे, फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और हम भाभी के घर चले गए, और उसके बाद जो है हम वहाँ पर थोड़े देर टाइम स्पेंड करके फिर हम 12:30 तक घर आ गए थे। और ये था जी नेक्स्ट डे, नाश्ते से फारिग होकर मैं किचन में आ गई थी। नाश्ता मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया था क्योंकि वही सेम नाश्ता था हमारा, अंडा पराठा चाय, और बच्चों को ब्रेड खानी थी न्यूटेला से तो उन्होंने वो खा ली थी, या पराठा बना देती हूँ तो वही वो खा लेते हैं जैम से, बटर से, या जिस चीज़ से भी उन्हें खाना होता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी अपनी चूड़ी, ये चूड़ी मैं 5 रियाल से लेकर आई थी, और ये शायद 5 रियाल की ही थी, और ये इतनी अच्छी चूड़ी है, लेकिन इस कदर तेज़ है कि जब भी मैं इससे काम करती हूँ, और मैं सिर्फ इसी से काम करती हूँ, तो मेरा हाथ जो है वो ज़रूर कट जाता है। हल्का सा भी ये टच हो जाए ना तो आपका जो है वो लाइट से ही कट लग जाता है, लेकिन लग जाता है। तो फिलहाल मुझे ये बोलते ग्लव्स पहन के काम किया करो, ग्लव्स पहन के काम क्यों नहीं करती हो, तो मेरे पास इस वक्त वो मोटे वाले ग्लव्स अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने यही पतले वाले पहन लिए थे जो मेरे पास अवेलेबल थे। और अभी ये मैं वॉइस ओवर करते हुए सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड क्यों नहीं यूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास चॉपिंग बोर्ड तो था, तो कट करने के लिए मुझे वही यूज़ करना चाहिए था। खैर नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं ध्यान से यूज़ कर लूँगी। तो वॉइस ओवर करते वक्त जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपके नोटिस में आती हैं कि अच्छा आप ऐसा कर सकते थे, आपने ऐसा नहीं किया, और कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक कर दी है। तो खैर यहाँ पर जो है वो मैंने अपना ट्राइपॉड स्टैंड भी जो है वो सेट कर लिया था, जो मैं गिम्बल लेकर आई थी उसके साथ जो है वो स्टैंड भी था, और यूज़ करने में जो है वो मोबाइल पकड़ पकड़ के बहुत मुश्किल होती है, तो उसको सेट करना भी एक मेरे लिए टास्क था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस तरीके से करी थी। तो ये कि अपने आप को भी आपको शो नहीं करना, और सेट भी ऐसे करना है कि चीज़ें आपकी जो है वो आराम से दिख जाएं। तो खैर यहाँ पर उसकी सेटिंग जो है चल रही थी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते करते आपको चीज़ें आ ही जाती हैं। और यहाँ पर ये रहा मेरा मिस्ट जो मैं लेकर आई थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और ये मैंने किचन में इसलिए रखा था क्योंकि इसका स्प्रे काम नहीं कर रहा था, मैंने फैज़ान को दिया था इसको सही कर दें, तो उन्होंने मुझे सही करके दिया, तो मैंने किचन में ही रख लिया। और जी मैंने पैन चढ़ा दिया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, और ये जिंजर गार्लिक जो है वो मैंने फ्रेशली जो है वो चॉप करके डाल दिया था, तो इसकी खुशबू वगैरह एक अलग ही होती है। मैं कभी कभी पीस के भी रख देती हूँ, और कभी कभी जो है वो मैं टाइम टू टाइम जो है वो उसे पीसती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। और जो बोनलेस चिकन मैंने वॉश करके अच्छी तरीके से रखा था पानी निकालने के लिए, तो फिर मैंने वो चिकन भी इसमें डाल दी थी, और इसको मैं इतना पकाऊँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो है इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये कैप्सिकम मैंने ले ली थी, ये भी मैंने इसमें ऐड करनी थी, तो फिर मैंने इसको भी चॉप कर लिया था। साथ ही मैंने मैनुअल चॉपर में ही सारी वेजिटेबल चॉप की थी, मैंने इसलिए वैसे तो इसमें जूलियन डलेगा कट के, लेकिन मैंने इसलिए इस तरह किया ताकि बच्चे जो हैं वो किसी भी चीज़ को, किसी भी वेजिटेबल को जो है वो सेपरेट ना करें और वो खा लें। और ये बिल्कुल इस तरह मिक्स हो गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था इसमें क्या है और क्या नहीं है। खैर वैसे भी किस्वा जो है वो रैप से निकाल निकाल के रख देती है, तो मैंने इसलिए इस तरह डाला था। और यहाँ पर चिकन का कलर भी चेंज हो गया था, इसका पानी भी खुश्क हो गया था। अब बारी आ गई थी मसालों की, तो मैंने इसमें डाली कुटी हुई मिर्चें और ब्लैक पेपर। मैं बिल्कुल नॉर्मल ही मिर्चें रखती हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे खा लेते हैं, ज़्यादा जो है वो मुझे परेशान नहीं करते। वाइट पेपर मैंने ऐड कर दी थी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैं कुछ भी जो है वो मेजरमेंट से नहीं, अपने ही अंदाजे से डालती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैंने इसमें वाइट विनेगर ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून। यहाँ पर ये है हॉट सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून डाली थी मैंने। हॉट सॉस इतनी हॉट नहीं होती, मतलब उसका कोई इतना ख़ास जो है वो टेस्ट नहीं होता। और ये मेरी फेवरेट स्वीट एंड चिली सॉस थी, स्वीट चिली सॉस थी, और ये बहुत मज़े की होती है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये 1.5 जो है वो टेबल स्पून डाली थी। और ये ग्रीन चिली सॉस थी, ये भी मैंने जो है 1 टेबल स्पून डाल दी थी। और सोया सॉस था, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया था। इतनी सारी सॉसेज मैंने इसमें डाल दी थी, तो मैंने नमक अभी नहीं डाला था, पहले मैंने इसे टेस्ट कर लिया था कि अगर नमक कम होगा तो जो है फिर मैं थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगी, अदरवाइज़ मैं रहन दूंगी, वरना एकदम से तेज़ हो जाता है। खैर मैंने चखा था नमक मुझे कम लगा था, तो फिर मैंने इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर दिया था।
और ये इतने मज़े के बने थे, बच्चों ने इतने शौक से खाए थे। नेक्स्ट डे जो है फैजान लंच में भी यही रैप लेके गए थे और दोपहर को लंच में भी हमने यही खाए थे। थोड़ा सा लेफ्ट ओवर चिकन मैंने रखा था कि मैं बच्चों को जो है वो ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दे दूँगी, लेकिन ये मेरा दूसरे दिन उन्होंने कहा मम्मा हमें रैप बना दें, तो फिर मैंने वही जो है बना के बच्चों को भी दे दिया था और मैंने भी खा लिया था। ये मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ऐड कर दी क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुकी थी, बोनलेस है वो तो बहुत ही जल्दी गल जाती है, इतना ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता है। तो मैंने कैप्सिकम हल्की सी फ्राई की, फिर मैंने कैबेज डाल दी, कैबेज भी मैंने इसी तरीके से जो है वो चॉप की थी ताकि जो है वो बच्चे से अलग ना करे। और बस ये मैंने डाल दिया था, इसको हल्का सा मैंने स्टर किया था और ज़्यादा गलाना नहीं था मुझे इसे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ पका था और वेजिटेबल थोड़ी सी क्रंची हों और वही अच्छी लगती हैं। तो खैर मैंने ये डाला, एक अच्छा सा मिक्स दिया इसको, 2-3 मिनट के लिए इसको ढक के पकाया और बस उसके बाद फिर मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। और इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को देसी फूड ज़्यादा पसंद है, रोटी सालन ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये मैंने एक दफ़ा ट्राई किया और ये सब ने बहुत शौक़ से खाया, तो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर बनाऊँगी। मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकती थी, ये अभी मुझे याद आ रहा है, लेकिन किस्वा बहुत शौक़ से चीज़ नहीं खाती तो मैंने ऐड नहीं की। और बस अब बारी आ गई थी असेंबलिंग की कि मैं जो है वो इसको असेंबल कर दूँ। हमारा खाने का टाइम हो ही चुका था, दोपहर नहीं ये तकरीबन 3:30 बज रहे थे और ये मैं लेकर आई थी टॉर्टिलाज, ये रैप थे और ये मैं लूलू से लेकर आई थी, बहुत अच्छे थे। और अब बारी थी इसको असेंबल करने की, तो मैंने जो है वो सबसे पहले मैंने इसमें केचप डाला इसमें, और उसके बाद जो है वो फैजान भी आके मेरे पास खड़े हो गए थे, देख रहे थे मैं क्या कर रही हूँ, और ये जो है मैं इसके साथ लड़ रही थी। और ये न्यू बॉक्स था मैं लेकर आई थी, न्यू बॉटल थी सॉरी, और मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इसका अंदर से स्टिकर रिमूव नहीं किया, मैं उसको प्रेस करे जा रही हूँ, निकल के नहीं दे रहा था। तो मैंने खोल के देखा तो फैजान हंसते हुए बाहर चले गए, कहने लगे अभी इतना ही देखती तो तुम इसको करती रहती। खैर फिर मैंने इसमें ये डाल दिया और ये देख के चले गए थे कि किस कदर अंधेरा हो रहा है किचन में, तो ये टॉर्च ले आए थे। मैंने कहा बस अब मेरा सारा काम हो चुका और आप अब लेकर आएँ, या अगर आप पहले ले आते तो मुझे कितनी आसानी हो जाती। तो खैर वो कह रहे थे मैं तो बेरिंग लाइट दिला दूंगा, परेशान नहीं हो। तो खैर यहाँ पर असेंबलिंग हो रही थी, मैंने ये जल्दी से चिकन का मिक्सचर डाला और मैं अच्छी क्वांटिटी में डाला था, और मैंने अपने और फैजान के में जो है वो केचप और मेयोनीज डाला था, टिक्का फ्लेवर का मेयोनीज था, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं यही लेकर आती हूँ। और किस्वा आयरा का जो है वो मैंने सिंपल सा बनाया था क्योंकि जो है वो आयरा तो मेयोनीज वगैरह खा लेती है लेकिन किस्वा नहीं खाती है शौक़ से, लेकिन फैजान की पूरी कोशिश होती है कि वो उसे खिलाएं क्योंकि आपको इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, कैल्शियम कहते हैं इसमें होता है। तो खैर जो है मैंने सॉस अलग से रख दी थी, तो क्योंकि किस्वा आयरा एक एक फुल नहीं खा पाती तो मैंने उनका हाफ़ उनको एक में से ही हाफ हाफ करके दे दिया था। मैंने सोचा था अगर ये मज़ीद मांगेंगी तो मैं जल्दी से आके बना दूँगी, और जो है इसको फिर मैंने 2-2 पीस में कट कर दिया था ताकि हम ईज़ीली खा सकें। बटर पेपर उस वक्त मेरे पास था नहीं, वरना मैं इसको बटर पेपर में फ़ोल्ड करती और हमें उसी वक्त खाना था। तो बस फिर फैजान ने कहा इसको थोड़ा सा ना एक ग्रिलिंग इफेक्ट देने के लिए इसको तवे पे हल्का सा सेक लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। बस फिर जो है हम लोगों ने इसको सेका और इतने मज़े के ये बने थे, इतने जूसी, और चिकन का बैटर जो बना था वो बहुत मज़े का बना था, देखें ये इस तरह का था और हमने इन्जॉय किया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।